हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, ए कर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल का कर्ड है 12 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये यूज करके हम लेना या ये यूज कर सकते हैं। दोबारा हम इसके अंदर सोल्यूशन लेंगे। सबसे पहले एक सर्कल यहाँ पर ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कर्ड। तो यहाँ से हम एक सर्कल का एक सबटेंड एंगल्स ले लेंगे, ये हो जाएगा ज़ीरो। ये दोनों गिवन है 12 और 12। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर गिवन है लेट एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसी तरह रेडियस भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर्स। ये दो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ले लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का ले लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला एक्स डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या हो जाएगा एक्स डिग्री 120 बाई 360 इंटू पाई 314 बाई 100 लिख सकते हैं इसको, इंटू आर 12 इंटू 12 गिवेन है, यहाँ पर गिवेन है। 200 कैंसिल, 12 वन ज़ा 12 थ्री ज़ा, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए। 26 ज़ा 12, 25 ज़ा 10 ज़ीरो, 26 ज़ा 12, 22 ज़ा 4, 25 ज़ा 10, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6। यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर बच गया 314 इंटू 2 इंटू 6, नीचे 25 बच गया। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3768 आ जाएगा बाई 25। 3768 को 3768 को आप 25 से डिवाइड कीजिए, 150.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, ये जो एंगल है सबटेंडेड एंगल है। सबटेंडेड एंगल क्या रहता, 30 डिग्रीज रहता। ये साइड जो है कौन सा साइड है, ये हाइपोटेन्यूज साइड है। अभी एक साइड जो रहेगा एडजेसेंट साइड रहेगा, या इसको एडजेसेंट साइड ले लीजिए या हाइपोटेन्यूज साइड ले लीजिए, आप कोई भी एक साइड इसके अंदर आप ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज इसको एम दे देंगे, क्या दे देंगे, एम दे देंगे। अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 120 हो जाएगा। 260 हो जाएगा, 60 डिग्री क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर लेट ओ एम ने दे दिया, ओ एम को सपोज क्या ले लेंगे हम, एक्स सेंटीमीटर्स ले लेंगे। ओ एम को क्या लेंगे हम, सर एक्स सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कॉस थीटा ले सकते हैं, कॉस 60 डिग्री है क्वेश्चन। कॉस 60 डिग्रीज में अपोजिट बाय एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड हमको मालूम नहीं है एक्स वाई, उसी तरह एडजेसेंट हाइपोटेनस मॉडल में क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर दे दिया उन्हें, हाइपोटेनस साइड 12 दे दिया क्वेश्चन का। अभी हम सॉल्व करें तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स बाई 12 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2x इज इक्वल टू 12, एक्स इज इक्वल टू 12/2, 2 1 2 6 2, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गई, 6 आ गई, क्या आ गई यहाँ पर 6 आ गई। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मालूम क्या करना है इसके अंदर, मालूम आपको करना है माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इसके अंदर आपको मालूम करना है। यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसी तरह अब ले लेंगे हम आल्सो, यहाँ पर लिखेंगे आल्सो, क्या हो जाएगा ये ए एम बाई एक और एंगल ओ ए हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 ले सकते हैं, साइन 60 क्या हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड यहाँ पर हम 60 के जो रूट है रूट 3/2 ले सकते हैं और अपोजिट साइड ए एम बाई 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप इन दोनों को, या 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, रूट 3/2 ले लेंगे।
ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका बच जाएगा ए एम इज इक्वल टू रूट थ्री बच जाएगा। तो ए एम इज इक्वल टू 12 है ये, इसको करेक्शन कीजिए, 2 1 2 6। तो यहाँ पर ए एम इज इक्वल टू 6√3 आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू 6√3। 6 इंटू क्वेश्चन के अंदर रूट थ्री की वैल्यू 1.732 भी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है इन दोनों। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.392 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मालूम करना है हमको मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस एक ले ले सकते हैं हम 20 पॉइंट, अभी आ गया ऊपर आ गया हमको, बेस जो है इसका ले ले सकते हैं 6 इंटू हाइट ले ले सकते हैं 10.392, 2 1 2 3। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 62.352। या अब हमको मालूम करना है ए मेजर माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 150.72, ऊपर आ चुका है हमको 150.6 आया, 150.6 माइनस, अब ये ले सकते हैं आप 62.352। इन दोनों को माइनस करेंगे 88.368 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।